हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी टू कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में ऑप्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करने जा रहे हैं। और यहां पे आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि ऑप्शंस बाइंग के लिए बेस्ट टाइम क्या होता है। उससे पहले यहां पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि मार्केट जब से ओपन होता है फ्रॉम 9:15 to 3:30 जब मार्केट क्लोज होता है, इसके बीच में कभी भी आप ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हैं। हमेशा आपके लिए बेस्ट टाइम अवेलेबल रहता है। लेकिन क्या है कि हम पूरे टाइम मार्केट को नहीं दे सकते हैं, पूरे टाइम हम फुल्ली एक्टिव नहीं रह सकते हैं। इसलिए हम उस पर्टिकुलर टाइम को आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट दिखता है, जहाँ पे हमें मार्केट में ज़्यादा वॉलिटिलिटी दिखता है, जहाँ पे हमें मार्केट में ज़्यादा लिक्विडिटी देखने को मिलता है। क्योंकि अगर हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो हमें लिक्विडिटी, वॉलेटिलिटी और ज़्यादा मोमेंटम चाहिए होता है, तभी हम प्रॉफिट बना सकते हैं। मार्केट अगर आपका रेंज बाउंड हो गया तो प्रॉफिट बनाना ऑप्शंस बाइंग से मुश्किल होता है। तो इसलिए हम उस टाइम को आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ पे हमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी, लिक्विडिटी और मार्केट में ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो उस पर्टिकुलर टाइम में अगर हम पार्ट टाइम में भी ट्रेड करते हैं तो हम वहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो वही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि ऑप्शंस बाइंग के लिए उस तरह का बेस्ट टाइम कौन सा है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जब मार्केट ओपन होता है, फर्स्ट आपका 30 मिनट to 90 मिनट यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। ये आपका मोस्ट वोलाटाइल टाइम होता है जहाँ पे क्या करते हैं, इंट्राडे ट्रेडर अपना एंट्री करने का मौका खोजते हैं, जिसके कारण से सप्लाई और डिमांड जेनरेट होता है और एज अ रिजल्ट प्राइस में हमें मोमेंटम देखने को मिलता है। यहाँ पे बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलता है। एज अ रिजल्ट प्राइस आपका बहुत ज़्यादा अपसाइड और डाउनसाइड मूव करता है। तो उस टाइम पे अगर हम सही डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर लें तो यहाँ पे हम आसानी से प्रॉफिट बना सकते हैं। तो मार्केट ओपन होने के फर्स्ट 30 to 90 मिनट यहाँ पे हमें ज़्यादा वॉलिटिलिटी, लिक्विडिटी और मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आपका जो मोमेंटम आता है वो 1:30 to 3:30 यानी लास्ट का आपका 60 मिनट to 120 मिनट यहाँ पे भी हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो लोग यहाँ पे एंट्री किए हैं वो क्या करेंगे, वो इस लेवल के करीब, इस टाइम के करीब वो मार्केट से एग्जिट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं, उनको आज ही मार्केट में एंट्री करना होता है और आज ही मार्केट से एग्जिट करना होता है। तो यहाँ पे जो एग्जिट करते हैं उसके कारण से मार्केट में मोमेंटम आता है, वॉलिटिलिटी आता है और लिक्विडिटी मार्केट में आता है। तो एज ए रिजल्ट हम इस पर्टिकुलर टाइम में भी क्या कर सकते हैं, मार्केट में एंट्री करके ऑप्शंस में ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हैं और वो टाइम लगभग आता है 1:30 to 3:30। और जो आपका मिड डे का टाइम होता है, जिसको आप लंच पीरियड भी बोल सकते हैं, वो जो टाइम होता है उस टाइम पे जनरली मार्केट आपको फ्लैट या फिर एक रेंज में मूव करता हुआ दिखेगा। और इस टाइम पे अगर आप ऑप्शंस बाइंग करते हैं तो फिर वहाँ से प्रॉफिट आने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं इन जनरल मार्केट। बाकी कई बार आपको उस पर्टिकुलर पीरियड में भी, जिसको हम मिड डे आवर बोलते हैं, उसमें भी आप प्रॉफिट बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी थोड़े से कम देखने को मिलता है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम चार्ट पे चल के वहाँ पे और डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम चार्ट पे आ गए और देख सकते हैं, ये चार्ट है आपका निफ्टी का 5 मिनट वाला चार्ट है। और जो भी लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं मोस्टली निफ्टी का 5 मिनट या फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट को इस्तेमाल करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए यही बेस्ट सुटेबल टाइम फ्रेम है। तो हम यही चार्ट यूज़ करेंगे, चाहे आप 5 मिनट का यूज़ कर लो या फिर 15 मिनट का यूज़ कर लो। अब यहाँ पर हमें कॉन्सेप्ट क्या समझना है कि ऑप्शंस बाइंग के लिए बेस्ट टाइम क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर 6 सितंबर की बात करें और इससे पहले के भी हम चार्ट को देखेंगे तो देख सकते हैं, फर्स्ट आपका 60 मिनट to 90 मिनट यहाँ पे हमें अच्छा खासा वॉलिटिलिटी और प्राइस में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। और उसके बाद जो मिड डे आवर की बात करें तो पूरा मार्केट आपका एक रेंज बाउंड हो गया और क्लोजिंग के टाइम में थोड़ा सा हमें मोमेंटम देखने को मिला है। तो मैंने आपको वही बोला था कि फर्स्ट के कुछ आवर और लास्ट के कुछ टाइम पे हमें वॉलिटिलिटी देखने को मिलता है, और मिड टाइम में अगर हम बात करें, मिड डे आवर की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे मार्केट मैक्सिमम आपको रेंज बाउंड ही देखने को मिलेगा। और इस रेंज बाउंड मार्केट में अगर आप ऑप्शंस बाइंग करते हैं
और आप यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन ले लो, चाहे आप यहाँ पे कॉल ऑप्शंस बाई कर लो या फिर पुट ऑप्शंस बाई कर लो, कुछ भी आप बाई कर लो या दोनों एक साथ ही बाई कर लो, अल्टीमेटली आपको यहाँ पे लॉस ही होने वाला, प्रॉफिट नहीं होने वाला। लेकिन अगर यहाँ पे आप क्या करते हैं, पुट ऑप्शंस बाई करते हैं, तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। यहाँ पे अगर आप सही डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन यहाँ पे आप सारा कुछ सही करने के बावजूद भी आपको कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला नहीं है। वहीं इस टाइम के बाद अगर आप यहाँ पे कॉल ऑप्शंस बाई करते हैं तो यहाँ पे भी आपको रिवॉर्ड अच्छा खासा मिलता हुआ दिखेगा, प्रॉफिट अच्छा खासा मिलता हुआ दिखेगा, लेकिन फिर जब मिड डे आवर आ जाता है तो उसमें आपको कुछ और नहीं मिलने वाला, क्योंकि मार्केट रेंज पकड़ लेता है। वहीं उससे प्रीवियस डे अगर हम बात करें 5th of September की, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं इनिशियल के ही कुछ आवर में हमें थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने को मिला है, और उसके बाद तो पूरे दिन ही आपका रेंज बाउंड पकड़ लिया, लास्ट में भी रेंज बाउंड मूव दिखाया है। तो कई बार हमें जो एक्टिव आवर होता है वहाँ पे भी हमें रेंज बाउंड मूव देखने को मिलता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को आइडिया होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जब आपका रेंज बाउंड मूव आता है तो उस टाइम पे ऑप्शंस बाइंग अवॉइड करना, उस टाइम पे ऑप्शंस बाइंग नहीं करना। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप ऑप्शंस बाई करते हैं तो वहाँ पे दो चीज़ होता है उसमें, आपका एक होता है टाइम वैल्यू और दूसरा होता है आपका इंट्रेंसिक वैल्यू। तो इंट्रेंसिक वैल्यू तो आपका कांस्टेंट रहता है, लेकिन टाइम वैल्यू जैसे जैसे टाइम बीतता है वो आपका डीके करता है। तो यहाँ पे अगर आप सही डायरेक्शन में ट्रेड भी लिए हो, अगर मार्केट आपका मूव नहीं किया तो ये तो टाइम वैल्यू डिक्रीज करेगा, एज ए रिजल्ट जो ऑप्शंस का प्रीमियम है वो भी आपका डिक्रीज करेगा। और ऑप्शंस का प्रीमियम डिक्रीज होने का मतलब है कि आप यहाँ पे क्या रहेंगे, लॉस में रहेंगे। तो आपने कुछ गलती नहीं किया, मार्केट आपके अगेंस्ट भी नहीं गया, फिर भी आप लॉस में, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम वैल्यू है, जो टाइम डिके फैक्टर रहता है ऑप्शंस बाय के लिए सबसे बड़ा विलन का काम करता है, वो यहाँ पे हमारे लिए लॉस जनरेट करता है, अदरवाइज मार्केट हमारे लिए ज़्यादा कोई लॉस क्रिएट नहीं करता है। इसलिए जब भी रेंज बाउंड मूव आता है उस टाइम पे हम ऑप्शंस बाइंग अवॉइड करते हैं। इसलिए जो मिड डे आवर में बोला था कि यहाँ पे आपको ऑप्शंस बाइंग क्या करना, अवॉइड करना है। उसके बाद यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देखते हैं और प्रीवियस डे पे हम आते हैं। तो देख सकते हैं अगर हम 2nd of September की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट 60 मिनट तक ही हमें मार्केट में कुछ ना कुछ मोमेंटम देखने को मिला है। उसके बाद पूरा मार्केट लगभग आपका एक फ्लैट सा मूव दिखाया, और उसके बाद लास्ट का जो हम बात कर ले 90 to 120 मिनट, यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ मोमेंटम देखने को मिला। तो देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम इनिशियल के फर्स्ट 60 to 90 मिनट की बात कर ले या फिर लास्ट का 90 to 120 मिनट की बात कर ले, यहाँ पे हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलता है। और यही परफेक्ट टाइम है जब आपको ऑप्शंस बाइंग करना ज़्यादा प्रेफर करना है। वैसे तो मैंने आपको बताया कि ऑप्शंस बाइंग आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम पे करेंगे तो आपके प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएंगे अगर आपने सही डायरेक्शन में ट्रेड लिया है तो। और यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे भी अगर आप पुट साइड की तरफ जाएंगे, पुट ऑप्शंस बाई करेंगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन इस टाइम पे मार्केट का डायरेक्शन थोड़ा बहुत ऊपर है। लेकिन अगर आप कॉल ऑप्शंस भी बाई करेंगे तो मार्केट आपके फेवर में भी गया, फिर भी आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत लॉस ही होगा, या नहीं तो आप यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट ही रहेंगे। तो यहाँ मैं आपको एक और अपडेट देना चाहूँगा कि अगर आपको ऑप्शंस के बारे में और डिटेल से इन्फॉर्मेशन लेना है और ऑप्शंस के बारे में ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखना है, तो उसके लिए हमने अपना मोबाइल ऐप लाया और जहाँ पे आपको ऑप्शंस से रिलेटेड कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, जहाँ पे हमने बेसिक से लेके पूरा एडवांस तक बात किया है। अगर आप वो कोर्स को इनरोल करते हैं और देखते हैं तो आप ऑप्शंस में एज ए इंडिपेंडेंट ट्रेडर काम कर सकते हैं। ऑप्शंस में जो भी ट्रेडिंग डिसीजंस है आप वो खुद से ले सकते हैं, आपको किसी और पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करके उस कोर्स को ज़रूर इन्वॉल्व कीजिए, उस कोर्स को कंटेंट को आप फ्री में भी देख सकते हैं और वहाँ पे आपको और भी बहुत सारे फ्री कंटेंट भी मिलेंगे। साथ ही साथ आपको जितने भी अलग स्टडी मटेरियल है स्टॉक मार्केट्स रिलेटेड वो भी आपको मिलेंगे, जैसे कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, टेक्निकल एनालिसिस, वो सब भी आपको मिलते रहेंगे। तो एक बार आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करके हमारा कोर्स जरूर देखिए, अगर आपको सही लगता है तो आप उसको इनरोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और अगर हम प्रीवियस डेट की बात करें तो यहाँ पर देखिए 1st September की यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं फर्स्ट के कुछ आवर में ही यहाँ पे हमें मोमेंटम देखने को मिला। फर्स्ट 60 to 90 हमें अच्छा खासा मोमेंटम प्राइस में मूवमेंट देखने को मिला। इस टाइम पे हमारे लिए ये परफेक्ट टाइम है जहाँ पे हमें क्या करना, ऑप्शंस बाइंग प्रेफर करना है। उसके बाद भी मोमेंटम आया है और
इस दिन अगर हम बात करें तो पूरे दिन मोमेंटम बना रहा है। तो जिस दिन आपका पूरे दिन मोमेंटम बना रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहाँ पे एंट्री लेके अपना प्रॉफिट बना सकते हैं, या नहीं तो लास्ट के कुछ आवर में भी आप अपना पोजीशन से बाहर निकल सकते हैं, या फिर इस टाइम पे भी आप एंट्री लेके पोजीशंस या फिर प्रॉफिट अपना बना सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो टाइम हमने देखा है, हमने प्रीवियस तीन चार एग्जाम्पल को देखा, तीन चार डे के मूव को देखा है, वहाँ पर हमें ये चीज़ समझ में आ गया कि आपका इनिशियल का कुछ आवर और लास्ट में क्लोजिंग का कुछ आवर जहाँ पे हमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी या मोमेंटम देखने को मिलता है। उसके बाद अगर आप कभी कभी देखेंगे तो आपको सिंगल डायरेक्शन देख सकते हैं, मार्केट आपका इस तरीके से मूव देता हुआ दिखेगा। तो इस तरीके आप एक अपना अलग सा स्ट्रेटजी फॉर्म कर सकते हैं जिस दिन मार्केट सिंगल डायरेक्शन ऐसा मूव दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं जो कि मैं रेगुलर बेसिस पे अपने डेली वीडियो में बताते भी रहता हूँ, यहाँ पे भी अपडेट कर देता हूँ कि मार्केट अगर आपका इस तरीके का मूव दिखाता है तो फर्स्ट हाफ कंप्लीट होने के बाद जब भी ऐसा मूव देखने को मिले आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉल ऑप्शंस बाइंग प्रेफर करना है। तो यहाँ पे आप मिड डे आवर में भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन कब, जब मार्केट आपका सिंगल डायरेक्शन इस तरह का मूव दिखाए या फिर इस तरह का हमें पैटर्न ड्रॉ करता हुआ दिखे, तो ऐसे में आप फर्स्ट हाफ के बाद पुट ऑप्शंस बाय कर सकते हैं। मिड आवर में यहाँ पे आपको बाय करना है और यहाँ पे आपको मिड आवर में कॉल ऑप्शंस बाय करना है, तो एक ही टाइम होता है। उसके अलावा हम मिड आवर में ट्रेडिंग करना अवॉइड करेंगे, ऑप्शंस बाइंग करना अवॉइड करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी क्या हुआ, हमें फर्स्ट के कुछ आवर में ही मोमेंटम देखने को मिला और लास्ट के कुछ आवर में ही मोमेंटम देखने को मिला, बीच में मार्केट पूरा का पूरा आपका रेंज बाउंड मूव दिखा है। यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस बाय करोगे तो आप कुछ भी कर लो आपको क्या होगा, आपको लॉस ही होने वाला, आपको प्रॉफिट मिलने के चांसेस थोड़े से कम यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। सो उम्मीद करते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को आपको समझ में आ गया होगा कि कब हमें ऑप्शंस बाइंग करना चाहिए, ऑप्शंस बाइंग करने के लिए परफेक्ट टाइम क्या होता है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इस तरह के आगे जब भी हम कंटेंट अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उस वीडियो को मिस ना करें। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।